अध्याय 13। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, अब आप मुझे अंधकेश्वर शिवलिंग की कहानी सुनाएं और ये बताएं कि शिव जी अपने शत्रु अंधक के नाम से क्यों प्रसिद्ध हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक की उत्पत्ति कक्ष द्वारा हुई थी। उसने मेरा बड़ा तप करके वरदान लिया कि उसे तीनों लोकों में कोई भी ना मार सकेगा। मुझसे वरदान पाकर उसने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और देवताओं की जगह पर सारे दैत्यों को बिठा दिया और खुद तीनों भुवनों पर राज्य करने लगा। नेतृत्व कोण के समुद्र पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसी गड्ढे में वो अपनी सेना सहित रहता था। जब देवता बहुत परेशान हो गए तो वो एक दिन शिवजी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करने लगे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, अब हम अंधक का संहार करेंगे। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब देवता अंधक से युद्ध करने के लिए उसके पास गए। उस समय देवताओं और दैत्यों में महाभयानक युद्ध हुआ। उस समय जब अंधक ने अपने गर्त में घुसकर प्राण बचाने की कोशिश की, तभी शिवजी वहां पहुंचकर उसे अपने त्रिशूल से छेद कर ऊपर उठा लाए। त्रिशूल के स्पर्श होते ही अंधक के सारे पाप नष्ट हो गए। तब वह ज्ञान पाकर भगवान सदाशिव की प्रार्थना करता हुआ इस तरह कहने लगा, हे प्रभो, जो व्यक्ति आपको अपनी मृत्यु के समय देखता है वह शिव रूप हो जाता है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे स्वयं अपने हाथों से मारा। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, अंधक, हम तेरी भावना देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं, अब तू जो चाहे वो मांग ले। यह सुनकर अंधक ने कहा, आप मुझे अपनी भक्ति देकर अपना गण बना लें और लिंग रूप होकर इस स्थान पर निवास करें। शिवजी ने अंधक की यह प्रार्थना मान ली। उसके बाद अंधक शिवजी के गणों में सम्मिलित हो गया और शिवजी अंधकेश्वर लिंग के नाम से वहीं रह गए। जो मनुष्य उस लिंग की 6 महीने तक पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा को सुनकर नारद जी ने कहा, पिता, अब आप मुझे देवल का वृतांत बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिवजी के परम भक्त दधीचि का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। उनके पुत्र का नाम शिव दर्शन था। शिव दर्शन की पत्नी का नाम दुकुला था। शिव दर्शन अपनी पत्नी के अधीन रहकर सदैव विलास में लिप्त रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, लेकिन यह सब होने पर भी वो दधीचि की भय के कारण शिवजी का पूजन प्रतिदिन कर लिया करते थे। एक दिन दधीचि किसी दूसरे गांव में गए थे और शिव दर्शन से शिवजी का पूजन करने के लिए कह गए थे। संयोगवश दधीचि बहुत दिनों तक ना लौटे, यहां तक कि शिवरात्रि आ गई। उस दिन सब लोगों ने व्रत रखा, लेकिन शिव दर्शन ने कुछ ना किया और बिना स्नान किए ही शिवजी का पूजन कर डाला। शिव दर्शन के इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर शिव दर्शन से कहा, मूर्ख, पहले तो तूने हमारे व्रत के समय कुछ भी ना किया, दूसरे बिना स्नान किए हमारा पूजन भी कर डाला। ये कुकर्म तूने जानबूझकर किया है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जड़ हो जाएगा और कुछ भी काम न कर पाएगा। शिवजी द्वारा इस श्राप को देते ही शिव दर्शन पत्थर हो गया। कुछ समय बाद दधीचि ऋषि लौटकर आए और उन्होंने अपनी पुत्र की दशा देखकर सारी बात सुनी तो वे अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे और पुत्र की मुक्ति प्रदान करने के लिए शिव गिरजा की तपस्या में बैठ गए। दधीचि और शिव दर्शन दोनों ने ही ऐसा तप किया कि भगवती गिरजा और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए। उस समय गिरजा जी ने शिव दर्शन को अपनी गोद में उठाया और शिवजी की हाथों में सौंपते हुए यह प्रार्थना की कि आप इसे मुक्त कर दें। गिरजा की बात मानकर शिवजी ने शिव दर्शन को घी में स्नान कराया और एक गांठ देकर जनेऊ पहना दिया। उसके बाद उसका नाम बटुक रखकर शिव गायत्री का उपदेश दिया।
जब उसने अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण किया, उस समय शिव गिरजा ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया। हे शिव दर्शन, हमारे ऊपर जो धन और द्रव्य चढ़ा करे, उसे तुम ग्रहण कर लिया करो। इसी प्रकार का अधिकार तुम्हें चंडिका पूजन में भी मिलेगा। घृत, तेल आदि वस्तुएं लेने में भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। अब हम तुम्हारे अपराध को क्षमा करते हैं। तुम ब्राह्मण की संतान हो, इसलिए हम दोनों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। अब हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि सब लोग तुम्हारी पूजा भी किया करेंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना हम किसी की सहायता नहीं करेंगे। युद्ध में तुम जिसके साथ रहोगे उसकी विजय होगी। हे नारद, इस तरह शिवजी और गिरजा ने बटुक को बहुत सारे वरदान दिए। उसके बाद उसे चारों दिशाओं में स्थापित करके सबकी पूजा के लिए प्रसिद्ध कर दिया। ब्रह्म भोज में जो बटुक को प्रशंसा प्राप्त हुई उसका वर्णन इस तरह है। जिस नगर में बटुक रहता था उसी नगर का राजा भद्रक प्रतिदिन ब्रह्म भोज करता था। शिवजी ने उस राजा को एक ध्वजा दी और कहा, ब्रह्म भोज पूर्ण हो चुकेगा तो यह ध्वजा अपने आप गिर जाएगी। शिवजी की इस कृपा को शिरोधार्य कर राजा प्रतिदिन ब्रह्म भोज किया करता था। एक दिन वह ध्वजा बिना ब्रह्म भोज के ही अपने आप गिर पड़ी। उस समय राजा ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्राह्मणों से उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हे राजन, शिवजी के पुत्र बटुक भोजन प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए तुम्हारा भोज पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। तुम्हें किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा दो। यह सुनकर राजा भद्रक को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, शिव दर्शन को ही देवल कहा जाता है। देवल की यह कहानी बहुत पवित्र है।